हे वेलकम गाइज, आपका फिर स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज आज जो हम पतंग बनाएंगे वो गिफ्ट पेपर के साथ बनाएंगे। देखो गिफ्ट पेपर के साथ पतंग किस तरह के बनानी है, ये है इस तरह से, मतलब ये होरिजेंटली आपको वर्टिकल कर लेना है, यानी इस तरह सीधा कर लेना है गिफ्ट पेपर। उसके बाद आपको फोल्ड करना है। यहां से मैं इसको फोल्ड कर देता हूं। ये मेरा यहां पर हो चुका है फोल्ड, ठीक है, ये मेरा फोल्ड हो चुका है। ये ऐसे मैंने यहां पर इसको फोल्ड डाउन कर लिया, ठीक है, ये मेरा हो चुका है यहां पर फोल्ड। अब आपको क्या काम करना है, ये फोल्ड होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अपने पतंग के बीच में कन्ने डालते हो तो सेम वे में एक हाथ इस तरह एक हाथ का गिट रखना है यहाँ पर इतना सा, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे, और इसकी कटिंग हमें इस तरह तिरछे में करनी है, यहां से एकदम इस तरह तिरछे में, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर करना क्या चीज है, हमको इस तरह एक हाथ रखना है यहाँ पर ऐसे, ऐसे रखने के बाद हमको जो कटिंग करनी है वो वहां पर तिरछे के बीच में कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसकी कटिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर एक हाथ रखा है से मैंने, यहाँ से मेरी इस तरह की तिरछे में कटिंग मुझे ये करनी है, मतलब ये पोर्शन मुझे उड़ाना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कैंची और इसकी तिरछे में कटिंग यहाँ पर कर देता हूँ। बड़े ध्यान से आपको कटिंग करनी है इस चीज़ की, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास आएगा यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, कमांड ठड्डे लेने हैं दो, तो ये हो गए तिल्ली आपके जो कमान ठड्डा लेते हैं यहाँ पर। ये मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ये मेरे पास ठड्डा आ चुका है यहाँ पर, और कमान मैं ले लेता हूँ मजबूत सी, तो यहाँ पर मैं एक कमान ले लेता हूँ, ये थोड़ी सही रहेगी, ये बिल्कुल सही रहेगी यहाँ पर। तो ये देखो ये मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं कमान, इस तरह की मुझे कमान यहाँ पर लगानी है यहाँ से यहाँ तक, और मेरे पर ठड्डा आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं ठड्डे को लगा देता हूँ, पहले मैं नीचे की तरफ चिपका दूंगा फिर ऊपर की तरफ चिपका दूंगा यहाँ पर। आप कोई भी टेप से चिपका सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इसके ऊपर मैंने टेप लगाया यहाँ, इसको मैंने चिपकाया यहाँ पर, फोल्ड डाउन करते हैं इसको ऐसे, ठीक है। सेम वे में मैं ऊपर की तरफ यानी यहाँ पर भी कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे जितने की जरूरत है, अब मुझे थोड़े से इतने पोर्शन चाहिए तो मैं उसको कट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर, जितना पोर्शन मुझे चाहिए उतने पोर्शन पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो मुझे जितना यहाँ तक का पोर्शन चाहिए तो मैं करता हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ इसको, और यहाँ पर बाकी को फोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ी सी होल लगा देता हूँ ताकि इसको अच्छे से मजबूती मिल जाए। एक आपको सेंटर में लगा लेनी है, बीच में लगा लेता हूँ एक मैं यहाँ पर, ताकि एकदम सेंटर में रहे, इधर उधर ना जाए। ये तो मेरा ठड्डा लग चुका है, ठीक है। अब बारी आती है कमान लगाने की, तो ये कमान के लिए मैंने तिल्ला अलग से निकाला था यहाँ पर, अभी ये मेरे पास तिल्ला है यहाँ पर। आप चाहो तो इनको ना झाड़ू को तिल्लों से भी बना सकते हो, मेरे पास तो ये तिल्ले अपने ऑलरेडी है ना बांस के, आप चाहो तो झाड़ू के तिल्ले से भी इसको बना सकते हो। तो इस तरह हमको कमान लगानी है यहाँ पर, देखो ऐसे, ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे आपकी कमान लगनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेप ले लेता हूँ पहले, इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ तिरछे में, जब मैं कमान लगाऊंगा यहाँ पर लगा लेता हूँ इसको ऐसे, ताकि ये चीज हो जाएगा मेरे पास। पर इस तरह हमने टेप लगा लिया, अब मैं इसको फोल्ड डाउन करूंगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। सेम वे में मैं यहाँ पर भी टेप लगा लूंगा, पहले मैं थोड़ी टेप निकाल लेता हूँ लगाने के लिए, मैं यहाँ पर पहले टेप निकाल लेता हूँ थोड़ी सी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको फोल्ड करूंगा यहाँ से ऐसे, और इसको इधर भी यहाँ पर मैं टेप लगा दूंगा। यह मेरे पास दोनों तरफ टेप लग चुकी है यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा और मजबूत कर देंगे इन टेप्स को, तो थोड़ी थोड़ी सी और मैं टेप लगा दूंगा यहाँ पर, ताकि इसको अच्छे से मजबूती मिल पाए। यहाँ पर लग चुकी है, सेम वे में यहाँ पर भी लगा देते हैं इसको अच्छे से मजबूत बनाने के लिए, यहाँ पर मैं टेप लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेप यहाँ और एक टेप यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी टेप ली यहाँ से ऐसे इधर की तरफ लगा दी, एक यहाँ लगा देता हूँ मैं यहाँ पर टेप ली, एक टेप मैंने यहाँ पर लगा ली। ये मेरा काम हो चुका है कमान और ठंडे का। उसके बाद आपको एक तिल्ला होर लेना है, जैसे मैं इस तिल्ले को ले लेता हूँ। अब यहाँ से इस कॉर्नर से आपको इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पर सेंटर तक लेके जाना है, ठीक है ऐसे, और सेम वे में इसी का ही डबल आपको कर लेना है यहाँ पर। इसका डबल करने के बाद इस तरह से यहाँ पर ये चीज आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, एक इधर कॉर्नर से जाएगा तिल्ला आपका ऐसे, यहाँ से यहाँ तक का तिल्ला जाएगा आपका ऐसे कॉर्नर से, और एक इस साइड से जाएगा आपका तिल्ला, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर कॉर्नर से तिल्ले, ये दो तिल्ले जाएंगे और दोनों यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे इस तरह से। टेप लगा देते हैं इनके ऊपर, सबसे पहले मैं इस पर टेप लगा देता हूँ यहाँ कॉर्नर पे, ये मैंने कॉर्नर पे टेप लगाया इसकी यहाँ पर। सेम वे में
इधर भी कॉर्नर पर टेप लगा देता हूँ पहले मैं इसके, तो यहाँ पर भी मैं टेप लगा देता हूँ। ये देखो, अब मुझे क्या करना है, दोनों को एक ही जगह मिलाना है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर भी एक टेप लगेगी मेरी, तो मैं पहले एक बड़ी टेप लगा देता हूँ इनके लिए ताकि अपनी पोजीशन पे एक जगह रहे। सेम वे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टेप को ताकि अपनी एक पोजीशन पे रहे ऐसे ये दोनों, और एक बीच में लगा दूँगा इन दोनों को जोड़ने के लिए ताकि ये आपस में ऐसे ही जुड़े रहे। यहाँ पर ऐसे थोड़ी सी और टेप लगा देता हूँ यहाँ, ये देखिए कुछ इस तरह की, और बीच में भी लगा सकते हो तुम टेप, यहाँ पर भी लगा सकते हो। अब हमारी जो पतंग है बैक साइड देख सकते हो उसकी और फ्रंट साइड देख सकते हो। अब बारी आती है नीचे की, तो नीचे हमें क्या है, इस तरह का ये जो हमारी पपाल पन्नी बच गई थी ना इसी का हमें यूज करना है। यहाँ पर मैं कटिंग कर लेता हूँ इसकी, ये मेरे पास कटिंग हो चुकी है, अब मैं इसको फोल्ड डाउन करूँगा। फोल्ड करने के बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा पोर्शन काट के यहाँ से इस तरह झालर टाइप में इसकी पूंछ बनानी है, ये यहाँ पर ऐसे ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है ये चीज़ हो चुकी है। अब मुझे क्या टेप की मदद से इस चीज़ को यहाँ पर चिपका देना है, तो मैं क्या करता हूँ टेप की मदद से इसको दो बार फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर इसको चिपका देता हूँ। तो फाइनली हमारी पतंग हो चुकी है रेडी। तो भाई अब इसमें कन्ने डालेंगे, कन्ने डालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, 3-4 होल करने हैं यहाँ पर, 2 ऊपर करने हैं डायगनली होल, और ये ना ध्यान से करना है क्योंकि ये देखो ये ना गिफ्ट पेपर है, तो जिससे आप होल कर रहे हो ना वो थोड़े आगे से नोकिल्लो होना चाहिए ताकि आप क्या गिफ्ट पेपर को ना पाट पाओ, आसानी से होल हो जाए। अगर आप क्या करोगे ज़्यादा उससे करोगे नोकिल्ला ना होगा तो हो सकता है गिफ्ट पेपर को नुकसान पहुंचा दे। ये हमारे 2 होल डायगनली हो गए, उसके बाद में 2 होल हमें यहाँ पर करने हैं नीचे, जैसे आम पतंग में हम करते हैं, एक हमारा होल ये हो गया और एक सेम वे में इस साइड में हमें देखो फट गया थोड़ा, नीचे से टेप लगा देंगे कोई बात नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, सद्दी ले लेनी है यहाँ पर, ये मैंने सद्दी ली यहाँ पर, ठीक है। सद्दी लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक साइड से इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे, डबल कर लेंगे, मतलब एक साइड से सद्दी को ये हमने यहाँ पर डबल कर लिया एक साइड से सद्दी, ये चीज। अब हम क्या करेंगे, एक होल से पास करेंगे नीचे की तरफ से, हमने क्या किया एक होल से अपनी सद्दी को यहाँ पर पास किया, ये आगे मेरी सद्दी कमान और ठड्डे के ऊपर से निकालते दूसरे होल से वापस उधर भेज देंगे, ठीक है। ये देखो ऐसे, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे बांध देंगे अच्छे से, ये मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से बांध दिया, ये बांध दिया यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। सेम वे में हमें क्या करना है, नीचे के डोर बांधने के लिए भी हमें ऐसी डबल करनी होगी पहले, इस तरह से हमने डबल कर ली यहाँ पर। अब हमें क्या करना था, वैसे एक होल से पास करके दूसरे में से निकालना था, लेकिन अब क्या है हमारे पास यहाँ पर ये फट गया ना थोड़ा सा, तो हम ऐसे ही इसको बांध लेंगे यहाँ पर, ये है इसको हम ऐसे ही बांध लेते हैं, ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे ही बांध लिया। और जो बाकी है जैसे ये थोड़ा सा फटा हुआ, इनसे इस पर हम टेप लगा देंगे ताकि हमारी जो है ये सेफ रहे। हमने थोड़ी टेप ली यहाँ पर और इस पोर्शन पे हम लगा देते हैं यहाँ पर टेप। तो फाइनली हमारे कन्ने बीच में सेंटर में बांधने, बस हमें अब इसमें जो पतंग में कन्ना बंधेगा ना वो पिछला कन्ना बड़ा होगा अगला छोटा होगा, इस बात का ध्यान देना, सेंटर में मत कर देना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने कन्ना किया, तो अब पिछला कन्ना बड़ा है अगला कन्ना थोड़ा छोटा है, इस तरह का ध्यान रखना आपको इसमें कन्ने बांधते हुए यहाँ पर इस तरह से, और ये उड़ने के लिए रेडी है। लाइक कर दें यार, यह भाई तेज हवा में उड़ेगी, अभी इतनी हवा नहीं चल रही है इसलिए यहाँ पर उड़ान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर जैसे ही तेज हवा चलेगी तो हम तुरंत इसको बहुत अच्छे से उड़ा पाएंगे। बाकी देखो कैसे लगे, लाइक कमेंट करके जरूर जाना।